नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सर्विलांस टीम ने आज फिर 3 संदिग्धों को खोज कर भेजा आइसोलेशन वार्ड। नगर के खलासी लाइन स्थित पंचायती गुरुद्वारे में रोजाना चल रहे लंगर में अनेक जरूरतमंद राहगीर खाना खा रहे हैं। यहां रोज आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए गुरुद्वारा समिति के प्रधान सरदार साहब सिंह ने कोरोना सर्विलांस टीम को बुलाया, जहां डॉक्टर एमपी सिंह चावला के नेतृत्व में पहुंची टीम ने वहां मौजूद लंगर छकने आए सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की, जिनमें 3 व्यक्तियों को हाई ग्रेड फीवर पाया गया। जब तीनों के नाम पता पूछे गए तो टीम हैरान रह गई। उनमें से एक हॉटस्पॉट पीर वाली गली का रहने वाला था, एक गागलहेड़ी, एक बेहट का रहने वाला था। इसकी सूचना तुरंत खलासी लाइन चौकी इंचार्ज लोकेंद्र राणा को दी गई और 108 के माध्यम से तीनों संदिग्धों को जिला चिकित्सालय स्थित कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भिजवाया गया। इस संकट की घड़ी में जहां अनेक संस्थाएं सहायता के लिए सामने आ रहे, वहीं बच्चे भी अपने देश को बचाने के लिए पीछे नहीं है। जी हां, मामला है गंगो का, जहां लॉकडाउन में अपने पिता व दादा को गरीबों की मदद करते देखकर मासूम बच्ची भी उनकी राह पर चल पड़ी। आपको बता दें कि गंगो निवासी सरफराज मलिक अपने संगठन व साथियों के साथ लॉकडाउन में गरीबों की मदद कर रहे हैं। सरफराज की 5 वर्षीय मासूम बेटी खुशी ने अपने जमा किए गए पैसे अपने पिता को देते हुए कहा कि इन पैसों का सामान भी गरीबों में बांट दीजिए। मासूम खुशी की इस प्यारी सी बात से सभी की आंखें नम हो गई और सभी ने खुशी के जज्बात को देखते हुए उसे खूब दुआएं दी। नालोता पुलिस के हाथ लगी सफलता तमंचे और कारतूस के साथ अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना अध्यक्ष ननोता प्रवीण कुमार ने अपनी टीम के साथ गैंगस्टर एक्ट के वांछित अजय पुत्र यशपाल निवासी ग्राम हिमामपुर को एक अवैध तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ थाना ननोता पर करीब एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेज दिया है। देखिए किस प्रकार से रामपुर मनिहारन में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को घर में रहने के निर्देश दिए गए। लॉकडाउन के मद्देनजर कस्बे की व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए पीएससी के जवानों के साथ नगर के गली मोहल्लों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने व अपने घरों में रहने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसआई सुदेश कुमार, एसआई सुरेश कुमार, एसआई अयूब अली सहित भारी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहे। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लॉकडाउन का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। जी हाँ, कुछ खतरों के खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन में भी शरेआम सड़कों पर घूमते मिले दिखे। थाना जनकपुरी क्षेत्र में सुबह 6 से 9 बजे के बीच 19 लोगों को बिना किसी कार्य व आवश्यकता के घूमते व कोरोना संक्रमण के संबंध में लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया गया, जिन्हें कारण बताकर गिरफ्तार कर धारा 188 आईपीसी व डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।